वेलकम मिस्टर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 11 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे अगर मुझे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर हम देखेंगे 2008 में, 2013 में, 2014 में और उसके बाद 2016 में यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, बट ऑन अ मंथली बेसिस पे ये सपोर्ट 2016 में ब्रेक हुआ एंड उसके बाद इस स्टॉक ने लोअर लो प्राइस पे ट्रेड किया। अगर यहाँ पर इस प्रेजेंट मंथली चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक आज के डेट में 102 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ अगर मैं जो रिसेंट टू हाईज है इनको अगर कनेक्ट कर दूं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और जहां तक डाउन ट्रेंड लाइन की बात है तो यहाँ ये जो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में डाउन ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है और उसी के साथ यहाँ अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने कई दिनों तक ये एक हाई बनाया था 78 रुपीस का, जब इसने कम से कम यहाँ एक लो प्राइस पे ट्रेड किया। ये लो प्राइस था 34 रुपीस के आसपास का, 34 रुपीस के। इस लो को ब्रेक के यहाँ पर भी इस रेलिगेयर एंटरप्राइजेस ने एक सेकेंड लो बनाया और आप यहाँ देखेंगे ये अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का मंथली चार्ट है। यहाँ पर एक बॉटम बना 15 रुपीस के आसपास और यहाँ फिर से 15-16 रुपीस के आसपास एक बॉटम बना, तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ ये एक साइडवेज ट्रेडिंग के बाद। और यहाँ से हमें एक लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो 81 रुपीस का एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था तो कहीं ना कहीं ऑन अ मंथली बेसिस पे 49 रुपीस का ये जो एक हाई प्राइस पे इसने ट्रेड किया यहाँ पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा और यहां से अभी 102 के एक प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पे सप्लाई की। तो अगर सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, उसके लिए मैं एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो एक एरिया है ये जो आप देख पा रहे हैं 233 से लेके 173 का, ये एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ से प्राइस बहुत ही ज्यादा शार्पली डाउनसाइड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया था। तो कहीं ना कहीं 200 के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। तो वही जानने के लिए हम चलेंगे इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे। और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर ये वीकली चार्ट पे मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो कुछ मैं इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूंगा और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीकली ट्रेंड अभी भी अप है। और अब बात करते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई की। तो यहाँ पर देखिए इस वीकली चार्ट पे मूव्स अच्छे हैं लेकिन उसके साथ में हमें जैसे कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है उसके चलते यहाँ पर करेक्शन के भी कैंडल्स हमें बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डेली चार्ट पे हमारे पास जो टू लोज है इस लो को एंड इस लो को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 7.50 के आसपास का फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला। यहाँ पर देखिए ऑन ए डेली बेसिस पे यहाँ एक डिमांड जोन है ये जो कि 102 से लेकर तो 96 रुपीस का है। अब इस डिमांड जोन में क्या हमें लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके लिए चार्ट को हम थोड़ा छोटा करेंगे और देखेंगे कि कहीं सप्लाई है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक
सप्लाई मुझे देखने को मिल रहा है। जो 109 से लेके 118 का है ऑन अ डेली बेसिस पे। और एक सप्लाई देख लेते हैं यहाँ पर कहीं अगर हमें देखने को मिलता है तो, यहाँ सेकेंड 174 का जो टारगेट है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से इस स्टॉक में एंट्री करते हैं तो 174 का सेकेंड टारगेट हमें मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट टू रेड लाइन जो ड्रॉ किया था, तो ये स्टॉक लगभग अपने डेली सप्लाई के अंदर इसने पेनिट्रेट किया और वहां से ये नीचे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ऑन आवरली चार्ट पे कंफर्मेशन लेना होगा कि प्राइस जो है वो यहाँ से ट्रेंड चेंज कर रहा है, और अगर ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक फिर से यहाँ पे हमें बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज ये करता हुआ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो इसने लगभग 102 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड करने के बाद यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिला। प्राइस फिर से अपने प्रीवियस हाई प्राइस पे आए और ये जो ग्रीन कलर का एक बुलिश कैंडल दिख रहा है जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम भी ट्रेड हुए, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट इसे हम मान सकते हैं। बट यहाँ पर इंस्टेंट ही इसके पास ही हमें सप्लाई भी देखने को मिल रहा है, डेली सप्लाई। तो देखना यह है कि इस डिमांड जोन में ये प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से प्राइस फिर से अपसाइड जर्नी स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 118 का हमें देखने को मिलेगा, और अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 118 के ऊपर ऑन डेली बेसिस पे हमें कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तब हम इसमें एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट होगा 174 रुपीस का। तो ये था रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।